नमस्कार, मैं अनुप टोनी आप सभी का क्राइम डिजाइन में स्वागत करता हूँ। आखिर कौन था ये आदमी और इतनी बेरहमी से किसका कत्ल कर रहा था, आइए देखते हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अभी मार दिया ना उसको। हाँ आ गए बुद्धे का फोन। हाँ हेलो सर, हाँ निकलने वाला हूँ मैं, अभी निकल गया। पता है मेरे को वारदात से पहले पूछना है, निकल गया मैं। चल शाम पास चाय पानी का जुगाड़ कर रहे रस्ते में भी। ज्यादा चला रहे तू गाड़ी, इतने स्पीड से चला दे रहे थे क्या? बता लाइसेंस बता जरा, आधार कार्ड बता। आरसी बता। खबर सब कागज पत्र इसके पास तो मिर्ची देख रहा है बता रहे। इस बार इतनी जोर से चला देती क्या गाड़ी? 200-300 तक ठीक है। हाँ तू चला रहा है 100 से, अगली बार तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जल जा आपको निकल जाएगा से। पुलिस वाले का व्यवहार वाकई में चौंका देने वाला था। आज तक क्राइम डिजाइन के इतिहास में किसी पुलिस वाले ने घूस नहीं मांगी, इस पुलिस वाले ने पूरे के पूरे कागजात मांग लिए। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप अपनी नजदीकी किराना दुकान में जाइए और अपना मृत्यु प्रमाण पत्र ले लीजिए। अरे हाँ भैया, इधर से नीचे नीचे जाइए, नाले में से तैरते तैरते राइट ले लीजिए, आपको आपका एड्रेस मिल जाएगा। सुनिए भाई साहब, सावधान रहिए, सावधानी से जाइए, सतर्क रहिए, सतर्क तो आप है ही, और देखते रहिए क्राइम डिजल। मिलते हैं अगले हफ्ते में। जय हिंद। साहब उठा लो साहब फोन उठा लो। अरे क्या कर रहे हैं तुम, क्या कर रहे हैं साहब? अभी को कौन लगा साहब? अरे दिल्ली को पता नहीं, क्राइम डिजल की बोली सबसे पहले बचती है। हाँ साहब। अरे ये क्या कर रहे हैं साहब, उसकी मार डाली साहब किसी ने? अरे साहब आ गया साहब, मेरी मार दी साहब कर रहा तू साहब। अरे मैंने क्या, गंगाल इसको छोड़ दू, उसको देख, वो देख किधर भाग गया, उसको पकड़ के ला जल्दी। ये तो सचिन भाग रहा था सर। अरे नहीं साहब, मैं तो पिछले साल आर्मी का फॉर्म भर रहा था, वो भर्ती मारने जा रहा था। मेरे को बना रहे, मेरे को बना रहे। नहीं साहब, गंगाल इसको लेके जा तू अंदर। अरे तूने बॉडी बॉडी बनाई, तूने तो नहीं मारे उसको? नहीं, ये कौन है तेरा? ये मेरा भाई है। क्या कर रहे थे तुम उससे? मैं सो रहा था सर। तू क्या कर रहे हैं? अरे तो साहब मैं मस्त कूलर लगा, यहाँ पर नाटक चल रही क्या? सो रहा था सर। रामपाल वारदात पर से सबूत लाओ, क्या है तो जल्दी। ये मिला सर वापस। क्या हुआ? तू उसको फॉरेंसिक लैब में भेज दे जा। ठीक है सर। सुन सुन सुन, तू इसको भाभी का भेज दे।
इसकी बनाएंगे बिरयानी बनाने को लगा एक प्लेट तेरी बक्की ठीक है सर सूरज सूरज धूपने भाई को बन रहा है तू इतना हसी ना चलो काय कर रहा है इतना बसी ना साबन ले जू नहा ली यार बरी नहीं साहब इतनी धूप तप रही है पंखा वंखा लगा अरे यार रामपाल साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक लगा थम्सअप लगा ना भाई मेरी गाड़ी में सूरज आता तू रात में ये गाड़ी मिली आपको सर ये मेरी है मौका आता तो मिली वो दोनों चुरा के लाई थी रमेश के लिए रमेश के खाले घर का भेजी मुर्गी खाए जब से महाराष्ट्र में मांस बंद हो गया तब से मेरी नज़र हमारी प्यारी मुर्गी रामप्यारी पर थी एक दिन मैंने मौका पाया सुरेश भैया गहरी नींद में सोए हुए थे मैंने सोचा यही मौका है चौका मारने के लिए मैं नींद से उठा मैंने अपना मुंह दुपट्टे से ढक लिया और छुरा लेके रामप्यारी को मारने के लिए निकला मैंने सोचा आज रामप्यारी का काम तमाम करके मस्त उसकी बासमती चावल के साथ बिरयानी बना के गटक लूं। पुलिस ने पाया सुरेश का भाई रमेश ही आरोपी था। संजू डबला की रिपोर्ट बताती है आंकड़े वाकई में चौंका देने वाले। 13% मुर्गियां रोज आत्महत्या कर लेती है और 14% मुर्गियां ठेलों पे खाई जाती। हमें सोचना चाहिए आखिर मुर्गियों का करें क्या। मैं तो कहता हूँ आज से शपथ ले हम सब मुर्गी ना खाए। भाई खाने में अरे मुर्गी बनाना भाई।